पब्लिक टीवी आपकी आवाज। मूंडापाने थाना क्षेत्र के गोंगा की मिलक गांव में चल रही 7 दिवसीय भागवत कथा में रामपुर से आए कलाकारों ने अपनी ज्ञान बातों और संस्कारों से लोगों को अवगत कराया। इस दौरान कथा में बोलते हुए महाराज नरेश कुमार ने कहा कि जब सुखदेव स्वामी शुक्रताल में परीक्षित को कथा सुना रहे थे तो उन्होंने कहा कि कथा को प्राप्त करने के लिए भक्त बनना पड़ता है और भगवान के प्रति पूर्ण रूप से आस्था होनी चाहिए। जब तक आप भागवत के महत्व को नहीं समझेंगे तब तक आपका कल्याण नहीं हो सकता। कहा कि महत्व को जब तक समझ लोगे तो गुरुदेव एवं भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। भागवत को प्रणाम करने से आत्मा को शांति मिलती है और भागवत की परिक्रमा करने से 84 योनियों में बंधन से मुक्ति मिलती है। भागवत से मन को शांति प्राप्त होती है। भागवत का भजन करने से अंतर ज्ञान बढ़ता है। सदक्रम के द्वारा ज्ञान बढ़ता है, हमारी विवेक शक्ति बढ़ती है और भक्ति बढ़ती है। भागवत को ग्रहण करने से ही दुख को दूर किया जा सकता है। वही कहा गया मन से पूरा भरोसा किया जाए और माना जाए कि वही ब्रह्म ज्ञान है। जो द्रौपदी का चीरहरण होने वाला था तो द्रौपदी ने भी भगवान कृष्ण पर पूरा भरोसा जताया और सच्चे मन से याद किया, अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पित करते हुए भगवान कृष्ण पर छोड़ दिया तो भगवान कृष्ण ने अपने भक्त की लाज बचाते हुए अपने कर्तव्य का पालन किया। क्या प्रोग्राम चल रहा है आप? श्रीमद भागवत कथा। कौन सा गांव है ये? ये ग्राम झोड़ा की मिलक। श्रीमद भागवत कथा में श्रीमद भागवत कथा चल रही है यहाँ पे। श्री इससे ज्ञान प्राप्त होता है, लोगों को सुख मिलता है, शांति मिलती है। कब तक का प्रोग्राम है ये? सप्ताह में कथा होती है 7 दिन के लिए। आज 4th दिवस है।